गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज पंकज शर्मा एंड मैं कोटक महिंद्रा बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क करता हूँ। जैसे इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेता है, वो देखना चाहता है कि कैंडिडेट वो जैसे कस्टमर आते हैं उनसे अच्छे से बात कर पाएगा, उनसे अच्छे से रिलेशनशिप बना पाएगा, उनको अच्छी सर्विसेज दे पाएगा, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ उनके जो भी क्वेरी है, उनकी प्रॉब्लम है, उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। मैन तो वो यही देखते हैं। बाकी बैंकिंग का है, बैंकिंग की नॉलेज हमें आईबीबी से मिल जाती है, हमें इतना अच्छे से सिखाते हैं कि हमें कोई भी इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं हमें इतना सिखा दिया जाता है, इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दिया जाता है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम पक्का उसको क्रैक करके ही रहते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था एचडीएफसी में, मैं गया और मेरा सर ने मेरे से सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पूछा था, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। और साथ में मेरे पास आईपीबी का रिज्यूम भी था और उन्होंने देखा कि आप आईपीबी से हो, मैंने कहा हाँ जी सर, कहते अच्छा ठीक है। फिर सर वो हमारे सर को जानते थे, जैसे हमारे अरविंद सर है उनको जानते थे कि आप अरविंद सर है उनके यहाँ से हो, मैंने कहा हाँ जी सर। फिर उन्होंने बस मुझसे यही पूछा कि हाँ आप कर लोगे या नहीं कर लोगे, मैं कर लूंगा सर। एंड फिर सेकंड मेरा कोटक महिंद्रा बैंक गुड़गांव में हुआ एंड अभी मैं गुड़गांव कोटक महिंद्रा बैंक में वर्क कर रहा हूँ और मैं गुड़गांव की सबसे बड़ी ब्रांच है और बहुत अच्छी ब्रांच है। मैं आईपीबी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी टीचर्स थे, जैसे हमारे बैंकिंग की क्लास लेते थे अर्पित सर लेते थे एंड पीडीबी की क्लास लेते थे सुरेंद्र सर लेते थे एंड हमारी जो भी आईपीबी की टीम थी बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी। अच्छे से उन्होंने आईपीबी के बारे में भी बताया कि कैसे हम ज्वाइनिंग कराते हैं, कैसे हम टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट लेते हैं और जैसे एनालाइज करते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक पहुँच गई है, वो टाइम टू टाइम उसको देखते रहते हैं। एंड इसके साथ साथ जैसे कि हमें और भी एग्जाम्पल देते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ में अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, वो काफी अच्छा सीखने को मिला। सो वो सर इतने अच्छे हैं, हमें इतने अच्छे एग्जांपल देते हैं ना कि हमें एकदम जो भी बैंकिंग से रिलेटेड एकदम माइंड में फिट हो जाता है, हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और सेम टू सेम क्वेश्चन हमें वहाँ पे इंटरव्यू पूछता है वो सेम टू सेम आगे मिलते हैं। मेरे से सिर्फ इंटरव्यू में सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन पूरा नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ मैंने दो लाइनें बताई, मेरा नाम बताया और मेरी क्वालिफिकेशन भाई बताई थी, इतने में उन्होंने बस डन कर दिया। और सिर्फ बैंकिंग से पूछा कि आपने जो आईपीबी से किया है ये सारा कुछ आता है, मैंने कहा हाँ जी मैम, मैडम ने लिया था हमारा इंटरव्यू, तो बोले कि हाँ जी ठीक है आप। और मैं जब घर तक मैं पहुंचा भी नहीं था, मैं जैसे मेरी स्ट्रीट ही पड़ती है गंगानगर, मैं वहां तक आया, इतने में ही मेरे पास एचआर का मेल आ गया कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उसी टाइम मेरी फैमिली के लिए अब स्वीट्स भी लेके गया एंड देन मैं अपने सेंटर पे आया, सेंटर पे भी लेके, बहुत अच्छा लगा मुझे।